जिले में आज फिर मिले 3 नए पॉजिटिव केस। अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर हुई 19। रेवाड़ी में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज फिर जिले में 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब जिले में कुल 19 एक्टिव मरीज हो गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक जिले में 11,414 मरीज सामने आ चुके हैं। दोबारा बढ़ते केसों ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, इसलिए बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान भी तेजी से किए जा रहे हैं। जिले में अभी तक 1,71,778 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं और जो मरीज पॉजिटिव आए थे उनमें से अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में विभाग द्वारा 334 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। मंगलवार को जिला में जो 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं उनमें से गांव कुंड से एक, पाली से एक और रेवाड़ी शहर से एक मरीज शामिल है। कमरे में घुसकर मारपीट कर लूट, 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। गांव घासेड़ा स्थित एक खेत में बने कमरे में घुसकर मारपीट कर लूट करने के मामले में रेवाड़ी CIA व सदर थाना पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को काबू किया है। आरोपियों की पहचान पुनित राहुल उर्फ चिंटू व अमन उर्फ माथुर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खेरी के गांव खंडेरा निवासी टिंकू सिंह ने शिकायत देते हुए बताया था कि वह अपने गांव निवासी अन्य लोगों के साथ घासेड़ा निवासी सतवीर सिंह के खेतों में फसल काटने के लिए आए हुए हैं। वह सतवीर सिंह के ट्यूबवेल पर बने कमरे में रुके हुए हैं। 21 मार्च की शाम को अन्य सभी लोग फसल कटाई के लिए खेत में गए हुए थे और वह कमरे में खाना बना रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर आए 3 युवक उसके कमरे में घुस गए और मारपीट करने लगे और बैग से 40,000 रुपये निकाल लिए। साथ ही कमरे में रखा गैस सिलेंडर भी बदमाश लेकर फरार हो गए। चाकू की नोक पर UPI के जरिए पैसे निकालने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। धाड़ा की विशाल कॉलोनी में एक युवक से मोबाइल छीनकर चाकू की नोक पर 20,000 रुपये की नकदी निकालने के मामले में CIA धाड़ा की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान धाड़ा के हरिनगर निवासी गौतम, बिहार निवासी सुनील मिश्रा, महसूरी सेक्टर 6 निवासी ललित उर्फ काला व चांद कॉलोनी धाड़ा निवासी सचिन के रूप में हुई है। धाड़ा थाना पुलिस के अनुसार बांस रोड स्थित राहुल यादव 11 मार्च की शाम खाना खाने के बाद पैदल विशाल कॉलोनी की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से 2 युवक आए। कुछ देर बाद एक गाड़ी और बाइक में कुछ लोग और आ गए। आरोपियों ने चाकू की नोक पर उसका मोबाइल फोन छीन लिया, जिसके बाद जबरन उसके मोबाइल से UPI पिन पूछकर उसके अकाउंट से 20,000 रुपये नकदी निकाल ली गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था और अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध हथियार सहित एक आरोपी काबू। सेक्टर 6 थाना पुलिस ने धावड़ा के भिवाड़ी मोड़ से एक आरोपी को अवैध हथियार सहित काबू किया है। आरोपी की पहचान बिहार के जिला मुंगेर हाल किराएदार सेक्टर 6 महेश्वरी निवासी हरेराम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी हरेराम भिवाड़ी मोड़ पर अवैध हथियार लेकर बस के इंतजार में खड़ा है, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने रेड कर आरोपी को काबू कर लिया। महिला से मोबाइल छीनकर बदमाश फरार। जिले में स्नैचिंग की वारदातें थम नहीं रही है। सोमवार की शाम ड्यूटी से लौट रही एक महिला कर्मचारी से बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस को दी गई शिकायत में छत्तीसगढ़ निवासी साहिला भारद्वाज ने कहा है कि वह वर्तमान में गांव सुठानी में रहती है और एक कंपनी में कार्यरत है। सोमवार की शाम वो कंपनी से छुट्टी होने के बाद पैदल कमरे की तरफ जा रही थी। इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। परमानेंट लोक अदालत से चोरी। चोरों से आम आदमी की घर ही नहीं बल्कि अदालत भी सुरक्षित नहीं है। चोर सेक्टर 4 में बनी परमानेंट लोक अदालत से एक स्टेपलाइजर व टोटी चोरी कर ले गए। दूसरी ओर गांव पिरानपुरा स्थित प्राथमिक स्कूल का ताला तोड़कर चोर सामान चोरी कर ले गए। सेक्टर 4 स्थित वरिष्ठ नागरिक भवन में परमानेंट लोक अदालत का कार्यालय बनाया हुआ है। शिकायत में लोक अदालत के स्टेनो अरविंद ने कहा है कि 19 मार्च की शाम को कर्मचारी कमरों पर ताला लगाकर चले गए थे। 22 मार्च की सुबह फोर्थ क्लास कर्मचारी वीरेंद्र ने बताया कि कमरे का दरवाजा टूटा हुआ है। दूसरी ओर गांव अहरोद निवासी सुनील कुमार ने शिकायत में कहा है कि वह प्राणपुरा स्थित प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हैं। 20 मार्च को स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह DTH रूम का ताला लगाकर चले गए थे। 22 मार्च की सुबह वह स्कूल में पहुंचे तो कमरे का ताला टूटा हुआ था। चोर कमरे के अंदर से एक TV, 2 बैटरी, एक UPS, सेटअप बॉक्स, बिल व फाइल आदि चोरी कर ले गए।
झोड़ में डूबने से युवक की मौत। गांव हासा का स्थित झोड़ में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था। सदर थाना पुलिस ने सामान्य कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच कर रहे एसआई परविंदर ने बताया कि गांव हासा का निवासी नरेंद्र कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान थे। बीती रात उसके गाँव के मंदिर के समीप बने झोड़ में छलांग लगा दी। देर रात तक जब वो वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद सुबह शव को झोड़ से निकाला गया। प्लॉट में खड़ा ट्रैक्टर चोरी। जिले के गांव पदियावास में प्लॉट में खड़ा एक ट्रैक्टर सोमवार की रात चोरी हो गया। ट्रैक्टर मालिक ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराकर केस दर्ज कराया है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती लापता। जिले के गाँव से एक युवती लापता हो गई। युवती अपने घर से लाखों रुपए की नकदी व जेवरात भी साथ ले गई। परिजनों ने युवती की दो सहेलियों पर संदेह जताते हुए पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी 22 मार्च की दोपहर गांव निवासी अपनी दो सहेलियों के साथ घर से गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। युवती घर से अपने साथ कागजात, 3 लाख रुपए की नकदी व करीबन 50,000 के जेवरात भी साथ ले गई। रिश्तों का कत्ल करने वाली पुत्रवधू, उसका प्रेमी और दोस्त को उम्र कैद की सजा। गांव कवाली में प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर अपनी सास का कत्ल करने वाली पुत्रवधू को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।